आज चल रहे हैं पनीर टिक्का बनाने। तो मैरिनेट कर लेते हैं पनीर और ये ग्रीन वेज को। सबसे पहले हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है वो 1/2 चम्मच, ये बना हुआ मसाला, ये मीट मसाला है वो ले रहे हैं 1/2 चम्मच, और ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, और 2 बड़े चम्मच ठीक दही। नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच हल्दी। इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें पनीर के पीसेस, शिमला मिर्च के पीसेस और प्याज के पीसेस डाल के इसके ऊपर अच्छा से लपेट देते हैं इसको, मसाला को। अब 10 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके पनीर के अंदर चला जाए, नमक और मसाला। उसके बाद इसको सीक में लगा के हम बनाएंगे टिक्के। ग्रिल को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। शिमला मिर्च, प्याज और पनीर को सीक में इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से सबको लगाते जाएंगे जब तक पनीर टिक्का सीख रहा है, तब तक हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। आइए चटनी बनाते हैं। चटनी बना लेते हैं पनीर टिक्का खाने के लिए। मैंने धनिया ले लिया, 3-4 कलियां लहसुन के, 1 इंच अदरक, 4-5 मिर्चें, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच दही। अब इसको पीस लेते हैं अच्छी तरह से। चटनी बनके तैयार है, देखिए। आइए अब सर्व करते हैं, दिखाते हैं कैसा बना है। पनीर अच्छा से पक गया है, देखिए अच्छी तरह से लाल हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। पनीर टिक्का और चटनी बनके तैयार है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे बने हैं देखिए। और आप भी इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और कैसा बना ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।